हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फाइनली मैं माजदा कार लेके आया हूँ। तो इसका क्या हुआ है कि इवापोरेटर कॉइल लीकेज हो गया है, तो इस वजह से इसका डैशबोर्ड खोलने वाले हैं। तो डैशबोर्ड क्या क्या कैसे कैसे खोलना पड़ेगा, क्या क्या खोलना रहता है डैशबोर्ड के लिए, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये CX9 कार है, तो 2014 का मॉडल है। तो चलो फिर मैं इसका डैशबोर्ड कैसे खुलता है वो सब चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। क्या क्या खोलना पड़ता है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली सबसे पहले बैटरी की वायर निकालने का है। बैटरी की वायर निकाल चुका हूँ। अब मेरे को सबसे पहले ये वाला यहाँ का जो ये रहता है पैनल, वो निकाला हूँ। पट्टी जो दिया रहता है, उसके बाद ये निकालने के बाद अपना टेप निकलेगा। तो टेप ये निकलेगा, टेप कंट्रोल पैनल सब साथ में निकलेगा। तो इसको निकालता हूँ। एक स्क्रू दिया है इधर, एक इधर स्क्रू है, एक इधर स्क्रू है। ये दो स्क्रू है, ये दोनों स्क्रू खोलता हूँ। खोलने के बाद फिर बाहर लेता हूँ इसको। तो ये सब चीज़ें मैं दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, बाकी और कुछ नहीं। और मैं भी ये गाड़ी का फर्स्ट टाइम डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ, तो जैसा जैसा खुलता है, क्या सिस्टम है खोलने का इसका, उसी हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये खुलने के बाद फिर कंसोल बॉक्स का सेटअप खुलेगा। एक स्क्रू इधर दिया है, एक स्क्रू इधर दिया है, फिर ये वाला पट्टी बाहर आएगा। तो चलो फिर अपन खोलते हैं इसको पहले, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अपना यहाँ का कवर निकलेगा, ये गियर बॉक्स में जो लाइट वगैरह आती है वो वाला निकलेगा। फिर एक इधर का रहेगा, वो निकलेगा। वो निकलने के बाद उसके बाद टेप डिजिटल कंट्रोल पैनल का पूरा सेटअप आ जाएगा। देख पा रहे हैं, पूरा सेटअप आ गया। तो चलो इसको बाहर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। फाइनली उसको निकालने के बाद ये टेप में चार स्क्रू दिया हुआ है, चार स्क्रू खोलने के बाद ये टेप आ जाएगा आगे। सॉरी, एक यहाँ 10 नंबर दिया है, ये खोलने के बाद टेप आ जाएगा आगे। तो चलो टेप को आगे लेता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली टेप भी निकाल चुके हैं अपन। अब रही ये कंसोल बॉक्स का सेटअप भी पूरा निकाल दिया हूँ, और कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये गियर बॉक्स को खोल के 12 नंबर का बॉक्स दिया है, तो ये खोल के मैं बाहर निकालता हूँ इसको। और उसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं, ये पूरा सेटअप सिंगल के लिए आएगा यहाँ तक। तो चलो ये सब फिर निकालता हूँ, फिर आगे दिखा रहा हूँ आपको। तो फाइनली इसका पैनल ऊपर का भी खोल दिया। अब मीटर निकालने का है और एयर बैग निकालने का है। तो एयर बैग निकालने के लिए इधर जो है 10 नंबर दिया हुआ रहता है, और इससे मुआ दिया है। ये वाला कवर निकालेंगे, ये 10 नंबर दिखेगा आपको, खोलेंगे दोनों एयर बैग निकल जाएगा। तो चलो फिर मैं इसको निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली एयर बैग भी निकल चुका, ये रही इसका सॉकेट, फाइनली निकल चुका ये। तो चलो अब स्टेयरिंग वगैरह खोलता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। स्टेयरिंग भी निकाल दिया हूँ, मीटर भी निकाल दिया हूँ। अब ये जो रिंग है, क्लॉक रिंग, इसको लॉक करके रख दें आप। जैसे खोला हूँ स्टेयरिंग सीधा करके मैं, उसी हिसाब से आप क्लॉक रिंग को रस्सी से या कोई टेप से बांध दें इसको, और जब फिटिंग करेंगे उसी हिसाब से फिटिंग कर देना, जो पोर्शन में पोजीशन में खोले थे उसी पोजीशन में। तो चलो फिर मैं इसको भी निकाल देता हूँ। तो फाइनली ड्राइवर साइड का सब खुल गया है। अब पैसेंजर साइड की तरफ का खोलता हूँ। तो क्या क्या खोलना पड़ रहा है मेरे को, ये तो यहाँ का पैनल निकाल दिया हूँ, अब ये एयर बैग वाला जो है वो भी खोलना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं खोलता हूँ, खोल के फिर अभी आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना भी इधर का सब खुल गया, डैशबोर्ड देख रहे हैं पूरा अब निकलने को आया। बस मेरे को ये सॉकेट खोलना पड़ेगा पूरा फुल। तो चलो ये सब खोलता हूँ और डैशबोर्ड निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, फाइनली डैशबोर्ड तो निकाल दिया हूँ, एंगल भी निकल चुकी है। अब क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकालने का है, तो चलो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकालता हूँ, फिर आगे आपको मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली क्लाइमेट कंट्रोल भी निकाल दिया हूँ। इसके लिए मेरे को सिर्फ हीटर का पाइप और अपना इवापोरेटर का पाइप जॉइंट एक्सपेंशन वाल के पास का वही खोलना पड़ा, बाकी और कुछ खोलना पड़ा नहीं अपने को। तो चलो फिर इसको बाहर लेके जाता हूँ, मैं बाहर लेके गया हूँ, सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये रही अपना क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, पूरा छुट्टा कर चुका हूँ मैं इसको, ये कॉइल भी छुट्टा कर दिया हूँ। ये देखिए, यहाँ से लीक हुआ है और यहाँ से लीक हुआ है, दो जगह से लीक है ये। और चलो फिर ये रही नया वाला मैं फिट करता हूँ इसमें, नया वाला फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़, फाइनली अपना
इवेपोरेटर कॉइल भी फिट हो चुका, एंगल भी लगा दिया हूँ, क्लाइमेट कंट्रोल सब लग चुका है। बस ये सब वायरिंग विरिंग इधर से निकाला था, सब फिटिंग करके फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज वापस से फाइनली गाड़ी पूरी फिट हो चुकी है, गैस चार्ज वगैरह हो चुका, तो मैंने सब कुछ आपको दिखाया कैसे कैसे फिटिंग किया इसका, कैसे खोला। तो आई होप के आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया रहेगा कि कैसे काम होता है, कैसे काम किया जाता है। तो फाइनली फिट हो चुकी पूरी, गैस चार्जिंग वगैरह हो गया है, कूलिंग भी हो रही है प्रॉपर तरीके से और सब सही चल रहा है। तो मेरी वीडियो से आपको ज़रा भी कुछ समझ में अगर आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।